दौड़ करके ये इनकी भाई और हमारे गुरु जी कुछ शिष्य लोग हैं, बड़े परिश्रम से उन लोगों ने ये मंदिर को बड़े अच्छे तरह से उन्होंने बनाए और कोशिश किया जैसे कि सेंटर बने। हरे कृष्ण। इसलिए अभी पूरा के पूरा उन्होंने मंदिर को सारे व्यवस्था प्रसाद क्या बनेगा, भक्त लोग आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, बड़ी भाग दौड़ करते हुए मैं तो यहाँ आराम से आकर सो जाता हूँ और आ गया, लेकिन इतने लोगों को व्यवस्था कैसे क्या बनेगा, ये दिन रात भी सम्मान करते हुए, इनको दांत में दर्द है, ये अभी डॉक्टर के पास में गए नहीं, बोले नहीं अभी नहीं जाऊँगा, आज रात भर सो नहीं पाए, बोले नहीं इस प्रोग्राम के बाद में घर में जाऊँगा, अगर मैं डॉक्टर के पास में गया ना तो ये सब कुछ संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए आप इनके लिए इनकी हाँ जो भक्त लोग हैं भाई और जो लोग इसमें हर तरह से हाँ बड़े तरह से मदद किया है, ठाकुर जी का आशीर्वाद दें और सेवा करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जोर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्सी श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरणों कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में आसिफ पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भक्त लोग आए वैष्णव लोग वैष्णवी माताएं दीदी लोग सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजा है, बहुत सारे भक्तों के द्वारा आप कथा सुन रहे हैं। हमारे गुरुपाद पद भी कहते थे गुरु पूजा क्या होती है और गुरु पूजा कैसे करनी चाहिए और गुरु पूजा कब करनी चाहिए। जगत गुरु भक्ति सिद्धांत शिल प्रभुपाद जी कहते थे गुरु पूजा कब करनी चाहिए, ये साल में एक बार नहीं करनी चाहिए, ये महीने में एक बार नहीं करनी चाहिए, हफ्ता में भी नहीं करना चाहिए, रोज भी नहीं करनी चाहिए, प्रति घंटे में नहीं करनी चाहिए, हर क्षण गुरु पूजा होनी चाहिए, हर सेकंड में गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी गुरुदेव को भूलना नहीं चाहिए। परंतु अभी हम लोग क्या है और एक गुरु पूजा जो होती है ना एक साल में या दो साल में पूरी नहीं होती, हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जब पूर्ण होती है जब हम गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाते हैं और गुरुदेव के मनोविष्ट को गुरुदेव के हृदय को जानकर उनकी प्रीति के लिए जीते हैं, उनकी प्रीति के लिए कार्य करते हैं। वो नहीं सिर्फ माला पहनाया सिर्फ आरती की है तो अच्छी बात है, परंतु गुरुदेव के मन को जानकर उनके बोलने से पहले उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना पूर्ण समर्पित होना ही गुरु पूजा है। तो गुरुदेव कहते थे हमें बहुत प्रकार के ऋण है हमारे ऊपर, तो सबसे बड़ा ऋण क्या है, गुरु का ऋण है। ये व्यास जी जिनका आज आविर्भाव है महाराज जी जैसे बता रहे थे, आज जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं आप, जितने भी विद्याएं आयुर्वेद विद्या हो ज्योतिष विद्या हो जितने भी प्राण है जितने भी अष्ट प्रकार की विद्याएं अष्टादश विद्याएं हैं जितने प्रकार के वेद है प्राण है उपनिषद है सब के सब किसने प्रकाशित किए, सब का विस्तार किसने किया, वेद व्यास जी ने भी। और इन्होंने सबसे सरल भाषा में बताया जीव का मंगल कैसे होगा, पहले बताया कितने सारे उन्होंने पुराण लिखे, कितने सारे उन्होंने उपनिषद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, फिर भी उनके शांति नहीं मिली, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा जिसमें भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और इन्होंने देखा जब तक जीव
परम पिता परमेश्वर भगवान जो कि बहुत दयालु हैं और जिनसे हमारा संबंध है, यदि उनसे प्रेम ना करेगा जब तक जीव, तब तक सुखी नहीं रह सकता। तब उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीला की। भगवान होने पर भी वो किसी के बच्चे बन जाते हैं, किसी के सखा बन जाते हैं, किसी को अपना बना लेते हैं। भगवान के चरणों में भक्ति ही ना कर्म ना ज्ञान या योग ना तपस्या किसी भी चीज से मंगल नहीं होगा जीव का, एकमात्र भगवान के चरणों में भक्ति से ही मंगल होगा। और भक्ति भगवान के चरणों में नहीं, पहले क्या होनी चाहिए, गुरु के चरणों में। जो आज गुरु पूजा है ना, भगवान को देखा है किसी ने? पहले भगवान को देखने के, भगवान कहते हैं कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। भगवान जब करुणा करते हैं तो गुरु के रूप में आते हैं और अपने भक्ति की शिक्षा देते हैं, अपने प्रीति की शिक्षा देते हैं। तो ये कौन करते हैं? गुरुदेव। वो हमारे सामने आते हैं, मुस्कुराते हैं, पूछते हैं बेटा कैसे हो, फिर धीरे धीरे वेदों की गुड़ गुड़ कथा को सरल भाषा में सुनाते हैं, गीता भागवत आदि का सार सुनाते हैं और अपनी सेवा द्वारा विस्तारित करके, सेवा के द्वारा प्रेम जागृत करके भगवान के चरणों तक ले जाते हैं। उसमें गुरुदेव बहुत प्रयास करते हैं, बड़ा बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं। तो उन गुरुदेव का हमारे पर बड़ा ऋण है। तो उन गुरुदेव की आज पूजा है और बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु बहुत सारे वक्ता भी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। महाराज जी ने एक बात बोली कि मैंने यहाँ बड़ा परिश्रम किया। मैंने यहाँ परिश्रम नहीं किया, यहाँ पर बहुत सारे, सबसे पहले तक हमारे गुरु पार्षद की कृपा है, उसके बाद महाराज जी का अथाह प्रयास है और बहुत सारे भक्त लोग बैठे यहाँ पर। अभी मेरे को नाम लेना संभव नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर बड़ा इस मंदिर को बनाया, सजाया, बड़ा सुंदर व्यवस्था की। आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मेरा थोड़ा भी, इसमें मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, पर मेरा कोई दोष हुआ हो, जैसे आज प्रसाद होगा, प्रसाद दो बार में होगा, तब लोग थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये जो दो बार में होगा थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, जो दोष होगा मेरा है कि मैं सब लोग के प्रसाद की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, मुझे दिख रहा है। हो जाएगी, चिंता नहीं करना। जो लोकल लोग हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, नोएडा के लोग, उनसे मेरी प्रार्थना है आज व्यास पूजा है। जो बाहर के लोग आए ना, कुछ लोग आए गुड़गांव से, कुछ लोग ग्रेटर नोएडा, कुछ लोग हापुड़ से आए, कुछ लोग दूर से आए, तो वो जो लोग आए उनके लिए हम पहले प्रसाद करेंगे, फिर दूसरी बार में नोएडा लोग, अशोकनगर लोग और आदि आदि थोड़ा भक्त लोग, हम जितने भक्त लोग आसपास के वो बाद में पाएंगे, ठीक है? यही। और गुरु पूजा क्या है, और भी सुंदर सुंदर कथाएं सुनेंगे। गुरुदेव की प्राण लेके सेवा करना ही गुरु पूजा है। एक दिन सेवा करेंगे फिर गुरुदेव को भूल गए, गुरुदेव की वाणी को भूल गए, ये पूजा नहीं है। हर क्षण में गुरुदेव के उपदेशों को याद करना, हर क्षण में उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना, यही व्यास पूजा है। और एक बहुत बड़ी सिद्धि है सनातन गोस्वामी पाद, वो भी एक हमारे वेद, हमारे जो श्री कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी हैं, उन्होंने वेदों का विस्तार किया। तो गुरुदेव कहते थे ये क्या है, वो भगवान के सत्ता में अवतार है, और ये सनातन गोस्वामी क्या है, राधा जी के नित्य जन है, राधा जी के निज जन है। ये भी वेद व्यास जी ज्यादा इनकी महिमा है, अभिन्न है, परंतु इन्होंने राधा जी की सेवा की महिमा को प्रकाशित किया। बड़े बड़े गुण था तो गुरुदेव मथुरा में बता देते, अभी समय नहीं है, इसलिए हम सनातन गोस्वामी पाद को यहीं से प्रणाम करेंगे। बोले सनातन गोस्वामी पाद की, कृष्ण द्वैपर वेद व्यास जी की, गुरु परंपरा की, परम आराध्य तम विष्णु पाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, समागत भक्त वृंद की, इताई गौर प्रेम देव। सब थोड़े थोड़े बोलो, ज्यादा ज्यादा बोलना है, खड़े हो जाए। हमारे दामोदर प्रभु जी हैं, दामोदर सब थोड़े थोड़े बोलो। हरे कृष्ण। राजकुमार दामोदर जी है, हमारे गुरु जी की, सब गुरु हमारे बड़े गुरु जी की सबके सब शिष्य है, थोड़े थोड़े सब बोलो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hey, 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 hey,
ज्ञान से, उनके भक्ति से, उनके गुरुदेव के समर्पण से हम सभी बहुत क्लियरली ये समझ सकते हैं कि जब शिष्यों में इतनी योग्यता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि गुरुदेव कैसे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त आए हैं जिन्होंने महाराज जी का साक्षात शायद संग न कर पाए हों, क्योंकि कई नए भक्त मैं देख पा रहा हूँ। तो अभी जीत प्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी के बारे में बोला, आज एक सनातन गोस्वामी जी की कथा हमारी purebhakti.com से आई थी, तो उसको पढ़ने से एक विचार मन में आया, बस मैं वही विचार आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि गुरु जी की महत्ता तो सभी ने बता दी, परंतु मुझे लग रहा है हम में से अधिकांश शिष्य इस स्तर पर आ गए हैं कि हमें ये देखना है कि गुरु जी तो बहुत अच्छे मिल गए हैं, भगवान की भक्ति का पद भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिल गया, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया, प्रसाद अच्छा खाने को मिलता है, कीर्तन है, बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बन रहे हैं, महाराज जी जैसे भक्त आ रहे हैं हमारे साथ और इतना समय बिता रहे हैं, परंतु हम कहां पर खड़े हैं। तो सनातन गोस्वामी जी के समय एक कथा हुई थी, एक काशी वाराणसी में एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, जिसकी बेटी का विवाह होना था और बड़ा चिंतित था, उसके पास धन नहीं था, तो उसने भोले बाबा शिव जी से प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए, कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, और शिव जी ने उस पर कृपा करके उसको आदेश दिया कि तुम वृंदावन जाओ और वहां पर सनातन गोस्वामी जी से जाकर के मिलो, वो तुम्हारा ये कार्य कर देंगे। वो दूर से आया, वृंदावन पहुंचा और उसने सभी लोगों से पूछा, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद बहुत मशहूर संत थे उस समय, उनकी बहुत विलक्षण कथाएं हैं, किस प्रकार से मदन मोहन जी के साथ वे साक्षात वार्तालाप करते थे, यहाँ तक कि मदन मोहन जी को डांट लगा देते थे, इस तरह के स्तर के वे भक्त थे। तो उनके बारे में ब्रज वालों ने उनको बताया कि ये सनातन गोस्वामी पाद हैं, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। वो उनके पास गया, उसने कहा कि महाराज जी मेरी ये दुविधा है, मुझे शिव जी ने आपके पास भेजा है और ये समस्या है, बेटी का विवाह होना है, आपके पास कुछ ऐसा धन है जो उन्होंने कहा है वो आप उसे दे देंगे। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास क्या है, मैं तो सूखी रोटी खाता हूँ और एक बस जो वस्त्र जिससे शरीर को ढका जाता है वो मेरे पास है और कुछ नहीं है। तो सोचने लगे, पहले तो उनको आया मन में कि कह दूं कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर अचानक से बात आई, कहते शिव जी ने भेजा है तो कोई ना कोई बात जरूर होगी, वे मेरे परम मित्र हैं, वो गलत तो कहेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा एक मिनट रुक जा, मुझे सोचने दे। तो उन्होंने कुछ विचार किया तो उनको ध्यान आया कि उनके पास एक चिंतामणि थी। चिंतामणि एक ऐसा पत्थर है जिसको टच करने से, लोहे इत्यादि से टच करने से वो सोने में बदल देता है। पारसमणि थी, चिंतामणि भगवान के धाम में होती है, यहाँ पारसमणि होती है। तो पारसमणि उनको ध्यान है, उन्होंने कहा मुझे कुछ याद है, तू वहां यमुना जी के पास जा, वहां मिट्टी को थोड़ा सा इधर उधर कर, उसमें से तुझे वो मिल जाएगी और देख ढूंढ। तो वो गया, उसने थोड़ा मिट्टी को पलटा, उसमें से उसको वो पारसमणि मिल गई, और उसने अभी उसको पूरा विश्वास तो नहीं था, उसने कुछ आसपास के लोगों को टच किया और वो देखा कि सोने में बदल गए, तो उसका विश्वास तो हो गया, लेकिन वो भी बड़ा चतुर था क्योंकि शिव जी की उसको कृपा मिली हुई थी। तो उसने पूछा और सोचा पहले कि यदि ये चीज सबसे बहुमूल्य थी अगर इन बाबा के पास, तो इनको तो इसकी कोई परवाह भी नहीं थी, इनको याद भी नहीं था, और बहुमूल्य वस्तु को आप कहाँ रखते हो, आप अपना धन कहाँ रखते हो, बैंक के लॉकर में रखते हो, है ना, या अपने घर में बहुत संभाल करके रखते हो लॉकर में, चाबी में और वो सब। तो बोले कि अगर इतनी बहुमूल्य वस्तु यही थी बाबा के पास, तो उसने ऐसी जगह क्यों रखी थी। तो उसके मन में प्रश्न आया, उसने सनातन गोस्वामी से पूछा, तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा अच्छा अगर तुझे इससे भी बहुमूल्य वस्तु चाहिए तो एक काम कर, यमुना जी के पास जाओ और इस पत्थर को जितनी दूर से फेंक सकता है उसको यमुना जी में फेंक दो, फिर मेरे पास नहा धो करके आना। तो उसने ऐसा ही किया, उसका पूर्ण विश्वास था, उसको पता था कि कुछ ना कुछ और बहुमूल्य वस्तु मिलेगी, शायद इतने इससे अमूल्य रत्न होंगे, कुछ होगा ऐसा। वो दोबारा से आया, नहा धो करके उसको उन्होंने कहा तिलक लगाओ और सब कुछ किया, और फिर उन्होंने उसको भगवान कृष्ण का हरि नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये उसको प्रदान किया। ये कथा मैंने इसलिए नहीं सुनाई, ये कथा आपने बहुत बार सुनी होगी, हम में से अधिकांश भक्तों ने सुनी है, मैंने ये कथा इसलिए सुनाई, मैं सिर्फ अपना एक मन की बात आपके सामने रख रहा हूं कि ये कथा मैं जब भी पढ़ता हूं, आज भी जब मैंने पढ़ी, तो मेरा जो मन है वो उस समय एक आवाज देता है कि अगर मैं उस जगह पे होता तो
जब मुझे वो फेंकना था पारस मणि को, जब यमुना में फेंकने का जो आदेश मिला था या सजेशन मिली थी, तो क्या मैं उसको फॉलो करता? एक तरफ ऐसा वस्तु है जिसको टच करने से पूरा संसार मेरे कंट्रोल में आ सकता है, सोना बन जाएगा सब कुछ, और दूसरी तरफ एक महामंत्र मिल रहा है जिसका अभी मुझे पता नहीं है। एक फकीर बाबा बैठे हैं, मुझे नहीं पता उससे क्या होगा, मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, तो क्या मेरी अपनी स्थिति ऐसी है कि मैं वो रिस्क लूंगा उस समय? या दूसरे शब्दों में अपनी भाषा में कहें, क्या मेरी अपनी श्रद्धा इतनी है कि मेरे गुरुजी यदि कह रहे हैं कि अच्छा तू बस मेरे पास आ जा और मैं तेरा सारा कुछ पार करा दूंगा, जितनी मेहनत तुम अपने बिजनेस या जॉब में कर रहे हो उसका सिर्फ थोड़ा सा अंश भी अगर यदि मुझे दे दोगे और मैं तुम्हें श्रद्धा से पार करा दूंगा, तो मैं सिर्फ ये अपने जैसे यहाँ पर भक्तों से बस ये पॉइंट रख रहा हूं कि काश आज के दिन गुरुजी हम पर ये कृपा करें कि हमारी भी श्रद्धा उस ब्राह्मण जैसी हो कि जब गुरुदेव हमें इशारे में कभी कहें कि अब मैं तुम्हारे को इस जन्म मृत्यु के संसार से निकालने के लिए तैयार हूं, तुम चलो मेरे साथ, तो हम उस समय पीछे पलट करके ना देखें कि अभी पीछे बच्चे हैं, परिवार है, बिजनेस है, या और बहुत सारी मित्रता और ये सब जो संसार के दायित्व हैं वो सब है। तो यही प्रार्थना आज गुरुदेव के चरणों में है कि वे कृपा कर करके हमारा इस तरह से मार्जन करें, हमारा सचमुच में समर्पण ऐसा आए जैसा जीत प्रभु जी ऐसे भक्तों का है। ये आसान बात नहीं है कि अभी वो बोल भी रहे थे तो उन्होंने माइक पे बोलने से पहले मुझसे पूछा प्रभु जी आप बोल चुके, तो इतना सरल हृदय होना ये ऐसे नहीं आता। जब तक सेवा इस तरह से नहीं करी जाएंगी इस स्तर की, इतनी नम्रता ऐसे नहीं आ सकती, ये बनावटी नम्रता नहीं होती है। तो ये ही परिमाण आप देख सकते हैं, ये ही जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, तो वही हमारे गुरुजनों ने जो सरल हृदय से हम सबको, हमने महाराज जी को देखा है अपने हृदय से 30 साल से, तो मुझे भगवान की कृपा मिली इनको दर्शन करते हुए, हमने देखा है महाराज जी को किस तरह से एक एक जूठे जूठे बर्तन भी मठों में, इन सब हमारे उस समय ये सब ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं थे, दिन रात कभी सोते हुए ही नहीं हमने देखा कि कब ये लोग सोते हैं। जब महाराज जी ने आदेश दिया कथा बोल रहे हैं एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा, उसके बाद बर्तन धो रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सुबह 4 बजे सबसे पहले महाराज जी की आवाज वहां पर हमारे वृंदावन मठ में कीर्तन की आती है। तो ये इनकी डेडिकेशन है और उसी सेवा का प्रताप है कि आज जब महाराज जी यहाँ आए हैं तो हम लोग दूर दूर से उसी मैग्नेट से आकर्षित होकर के हम आए हैं। तो यही जेन्युइन चीजें हम देख पा रहे हैं, हमारा जो संप्रदाय है वो ऐसा नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार मेरे अपने कई रिश्तेदारों वगैरह में बहुत से लोग ऐसे गुरुजनों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। मैंने देखा है गुरु आने पे तो आपके घरों में भगवान के चित्र आने चाहिए, भगवान का विग्रह, उनकी सेवा होनी चाहिए, और आप ध्यान से देखना आपके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो अगर किसी गुरु के संग में आ रहे हैं तो धीरे धीरे उनके घर से भगवान के चित्र गायब हो रहे हैं, वो रद्दी में जा रहे हैं भगवान की फोटो में और गुरुओं के चित्र लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आ रहा है हमारे इस भारत देश में, जो बड़े दुख की बात है। इसकी हम सबको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हम श्रद्धा से भक्ति के मार्ग में चलें और प्रयास करें अपने जीवन के आचरण से भी, और अगर प्रचार कर सकते हैं उस माध्यम से भी अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को समझाएं कि समझो कि पहले गुरु है कौन। वो गुरु नहीं है कि जो आपको चिकन खाने से रोक नहीं रहा, आपको शराब पीने से मना नहीं करता, आप सोच रहे हो तो बहुत अच्छे गुरु हैं, जो मर्जी कर लो मना नहीं करते, लेकिन वो डॉक्टर अच्छा नहीं होता जो आपको परहेज के बिना आपका इलाज करे। तो इसी इशारे से हमें समझ जाना चाहिए, यही करी मैं वक्त पर समाप्त करता हूँ। दामोदर प्रभु जी, दामोदर प्रभु जी है यहाँ? हरे कृष्ण। हाँ देखो एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर करके सोचते हैं व्यास पूजा मतलब होता है आज का दिन गुरु पूर्णिमा में कुछ कपड़े, कुछ फूल की माला, कुछ प्रणामी लेकर के क्या करो, गुरु जी को पूजा करके आ जाओ।
साधारण लोगों का यही धारणा है, लेकिन इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हाँ ये तो होनी चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। व्यास पूजा उसे कहते हैं, कहते गुरु जी की जो इच्छाओं को जो सही सही पूरी करते हैं, और अपना व्यास पूजा उसे कहते हैं जब हम संपूर्ण रूप में ठाकुर जी की चरण में शरणागत होकर के जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, कहते यही असली गुरु पूजा है। इसलिए अभी गुरु जी की क्या इच्छा है, गुरु जी क्या चाहते हैं, बोले गुरु जी की एक ही इच्छा है कि जगत में गुरु जी आते हैं क्यों। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले संसार दाबा नलली ढलो तो त्राणाय कारुण्या कनागनातो प्राप्त सदाय कहते गुरु जी है कौन, बोले गुरु जी जगत में क्यों आते हैं, तो इसमें कहते हैं कि संसार में जो संसार रूपी दाबा नल में हम जो दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, कहते हमारे पिता कौन है, बोले ठाकुर जी। इसलिए कहते ना तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सत्, भगवान है हमारे पिता माता। अगर बच्चा अगर दुखी होना पिता माता कभी सुखी नहीं होते, बच्चा को सुख देकर पिता माता भी सुखी रहते हैं, लेकिन हमारे पिता तो ठाकुर जी जब उन्होंने देखा संसार में हम कैसे दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जब भगवान ये जीवों का दुख को देखते हैं, ठाकुर जी की जो कृपा ही ये एक मूर्ति धारण करता है श्री गुरु, ठाकुर जी की कृपा ही एक गुरु का मूर्ति धारण करता है, और इसी जगत में आ करके हमें भगवान के बाहर में बता करके हमें अपना घर में ले जाते हैं, कहते प्यार चुका गया अपना घर में वापस ले जाते हैं। अपना घर कहाँ है, ठाकुर जी की पास में हमारी घर, ये हमारी घर नहीं, हम पे रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आते हैं। गुरु जी की एक इच्छा है हम शुद्ध रूप में निष्कपट रूप में भगवान की भक्ति करें। अभी प्रभु जी एक बात बता रहे थे ना, अभी ऐसे कुछ गुरु है बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, एक श्लोक पुराण में आया गुरु ब्रह्मा, उसके बाद में गुरु विष्णु और गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री, ये पुराण में एक श्लोक है, लेकिन ये अर्थ को ना लोग बड़े अपव्यवहार कर रहे हैं। इसलिए गुरु गुरु भगवान भगवान कुछ नहीं, गुरु जी को रख करके प्रभु जी बता रहे थे ना, अभी ठाकुर जी को घर से निकाल रहे हैं, सारे ठाकुर को बैठ के बाहर है और गुरु जी को वहीं पर, गुरु जी को नहीं, ये जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बताए इसका मतलब जो गुरु जी क्या है, बोले ब्रह्मा का काम करते हैं, बोले ब्रह्मा कहते हैं क्या, बोले जगत को सृष्टि करते हैं। उसी तरह गुरुपाद पद्म भी हमारे हृदय में भक्ति को हरि कथा बोल करके ठाकुर जी की कथा बोल के हृदय में भगवान की जो प्रेम जगाते हैं ये गुरु का काम, इसलिए गुरु जी ब्रह्मा का काम करते हैं। बोले गुरु विष्णु, बोले विष्णु क्या करते हैं, बोले जगत में पालन करते हैं, बोले उसी तरह गुरुदेव भी हमें भगवान की बारे में समझा बुझा करके धीरे 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 जीवों को भगवान तक ले जाते हैं। इसलिए गुरु जैसे पालन करते हैं गुरुदेव, अरे गुरुदेव महेश्वर, गुरु जी क्या करते हैं, बोले शंकर जी का काम करते हैं, बोले शंकर जी का क्या काम, बोले संहार करना, शंकर जी का काम क्या है, संहार करना, बोले गुरुदेव भी संहार करते हैं, बोले क्या संहार करते हैं, बोले हमारे हृदय में जितने अनर्थ पाप अपराध है, हम जो गलत रास्ता पर जाते हैं गुरुदेव हमें समझाते हैं, देखो चार नियम को पालन करो, कितना नियम को, क्या क्या है, पहला नंबर दूतम जुआ मत खेलो, दूसरा नंबर पानम किसी तरह का नशीली वस्तु को मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब ये सब वस्तुओं को मत लिया करो, यहाँ तक भी चाय भी मत पियो, क्या मत पियो, चाय भी नहीं पीनी चाहिए, क्यों, चाय में निकोटीन और उसमें कैफीन है, जैसे शराब भी शराब नहीं पियो तो क्या होता है, बेचैनी सी होने लग जाती है,
अब देखना चाय का समय आ जाए, अगर चाय नहीं पिए क्या होता है, बेचैन से आने लग जाती, सर दर्द करना शुरू हो जाते। बोले क्यों? बोले इसको अंदर में जहर है, निकोटिन डाला हुआ है, हैं? पहले ये अंग्रेजी लोग हमें अपना गुलामी बनाने के लिए पहले चाय बना बना करके बेचे। बोले देखो जो चाय का पिएगा ना उसको एक रुपया मिलेगा, उस समय एक रुपया की बड़ी कीमत था। बोले एक रुपया और एक कप चाय, बोले लो दो चाय चाय। उसके बाद बोले 50 पैसा मिलेगा, उसको बाद में बोले 25 पैसा। बोले भैया कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्या? बोले चाय मिलेगा। बोले कोई बात नहीं, आदत बन गया ना पी पी करके। बोले उसको बाद में बोले 25 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 50 पैसा, बोले लो। बोले 1 रुपया देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 2 रुपया, बोले लो। बोले 5 रुपया लो। अभी कितना हो गया? इतनी इतनी से चाय, इतनी से चाय हमें दे करके 10 रुपया हमें से ठग लिए। एक 10 रुपया में एक कप आपको दूध मिलेगा, लेकिन दूध नहीं पड़ेगा, हम चाय पी रहे हैं। ये अंग्रेजी का बिजनेस हमने चला दिया, हमने इतने बेवकूफ बन गए, उनकी बिजनेस हमने चला दिया। इसलिए चाय नहीं पीनी है, चाहिए हर्बल टी पियो, हैं? और हर्बल टी पियो, गोकुल टी पिया करो, चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये नस्ली वस्तु में ये कली का निवास है। इसलिए कोशिश करना चाय को छोड़ देने के लिए, कम से कम गुरु पूर्णिमा में इतना तो देख कर जाओ गुरु जी को आज हम चाय नहीं पिएंगे। ठीक है, इसलिए बोले पानम, बोले स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब है बोले स्त्रियों में कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं। संसार करो, शादी करके पति पत्नी दोनों मिल करके अपना घर गृहस्थ चलाओ। ऐसे नहीं बगैर शादी के जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं, शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करते। ये बड़ा पाप कर्म है। जगत में डाइवोर्स इतना क्यों होता है? यही कारण है, कारण यही है। इसलिए ये सब चीज शास्त्र ने यहाँ पर पवित्रता की यहाँ पर नष्ट होता है। इसलिए संसार करो, शादी करके पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो। और जीव हिंसा, जीव हिंसा मतलब मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ और प्याज लहसुन भी नहीं खाया करो। इसलिए जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगा करे। इसलिए गुरुदेव शंकर जी का काम करते, शंकर जी से संघार करते हैं। गुरुदेव भी हमारी अंदर में जो अनर्थ अपराध जो पाप है, गुरुदेव ये सब चीज को नष्ट करते हैं। इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को साथ में तुलना की गई। इसका मतलब नहीं गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, भाई भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ जाएंगे? तो अगर गुरु जी हो गए मेरे, ब्रह्मा विष्णु महेश जाएंगे कहाँ? नहीं, वो गुरु गुरु नहीं है, है? वो गुरु गुरु नहीं है जो कि कहता है नहीं मेरी मेरी पूजा करो, नहीं भगवान भगवान, वो गुरु नहीं भंड है। देखो आप लोग ने वाल्मीकि का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो वाल्मीकि का नाम? ध्रुव जी का नाम सुने हो? सुने हो। हनुमान जी का नाम जानते हो? जानते हो। जैसे श्री नारद जी जब वाल्मीकि से मिले, क्या नारद जी वाल्मीकि को बोले मेरा नाम लो? किसका नाम दिए? राम का नाम। बोले बेटा राम का नाम लो। जब श्री नारद जी प्रहलाद ध्रुव से मिले, क्या बोले? तू मेरा नाम लियो। कौन सा नाम बोले? ओम नमः भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम दिया, भगवान। अब कोई भी ग्रंथ ढूंढ लो, गुरु कभी भी अपना नाम नहीं देते, गुरु श्री ठाकुर जी के नाम देते हैं। बोले ठाकुर जी का नाम लो, ठाकुर जी के भजन करो, ठाकुर जी की भक्ति करो, वो कभी अपना नाम नहीं देते, वो गुरु नहीं है, है? जैसे कि बीच वाली होता ना, किसको क्या बोलते हैं, लड़का लड़की को बीच में जो संबंध कराता है, क्या बोलते हैं? बिचौलिया। वो बिचौलिया, अगर वो बिचौलिया खुद बोले, बिचौलिया क्या करता है, लड़की लड़का को बीच में रह करके दोनों की शादी करा देते हैं। अगर वो बिचौलिया खुद बोले नहीं, लड़की से नहीं शादी कर लेते, ये गलती है कि नहीं? अगर जो गुरु कहता है मैं, इसलिए नहीं भगवान भगवान नहीं, पूजा करता मेरा ही नाम लो, पूजा करता मेरी पूजा कर, भक्त नहीं। आप सत्य युग से देख लो, क्या हनुमान जी कभी बोले तो मेरी पूजा करो? हनुमान कहते प्रभु राम की भक्ति करो, भगवान राम की भक्ति करो। तुलसीदास क्या कहते मेरे नाम लो, भगवान राम की भक्ति करो। सूरदास क्या कहते मेरे नाम कर, नहीं भगवान कृष्ण की भक्ति करो। इसलिए गुरु जी का काम है
बिचौलिया रूप में जीव को भगवान तक पहुंचाते, भगवान के नाम भक्ति करे। इसलिए ये गुरु जी का काम है। और विशेष करके गुरु जी हमें तीन चीज दिए हैं, ये तीन चीज को अपना ध्यान रखो। पहला नंबर गुरु जी हमें कंठी दिया है, गले में तुलसी की कंठी दिए हैं। देखो ये जो गुरु जी को हाथों से जब एक बार हमने कंठी पहनी, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर किसी कारण से कंठी गले से उतर गया, गुरु जी कहते थे जब तक दो बार कंठी नहीं पहनो तब तक भोजन नहीं करना, क्योंकि हम जो कुछ खाते हैं ये कंठी को स्पर्श करते हुए अंदर में जाता है, पवित्र होकर के जब कोई बोली बोलते हैं वो पवित्र बन करके निकलता है। अगर गले से कंठी उतर गया, गुरु जी कहते थे उसको दो बार फिर उसको खोलो, वो पर गले में पहनो, नहीं तो उसको पहले पानी मत पियो, गुरु मना करते थे। अगर गले में कंठी नहीं, किसी तरह से अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, आप लोग भारतीय लोग आपको पता है मरने का बाद 13 दिन बाद में शुद्धि होते, 13 दिन बाद में, क्यों? ये गरुड़ पुराण में बताए जीव मरने का बाद उसको एक बेहतर नदी पार करना पड़ता है, जो नदी केवल टाटी पेशाब खून पी का होता है, और उसको कोड़े मार मार करके नदी उसको पार कराते हैं, इसको 13 दिन लग जाती है, इसलिए 13 दिन बाद में हमें शुद्धि होती है। बोले भैया किसको ये बेहतर नदी का पार करना पड़ेगा? बोले जिनकी गले में कंठी नहीं, अगर गले में कंठी है ना कभी भी आपको ये बेहतर नदी पार करना नहीं पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर कंठी उतर गया झट उसको बनाओ, क्योंकि प्राण अगर गया तो तुमको बेहतर दर्द जाना पड़ेगा तुम, इसलिए गले में अगर कंठी होगा नदी पार करना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव ये कंठी दिए इसको ध्यान रखो। दूसरी चीज तिलक दिए, इसलिए ये तिलक को रोज जरूर धारण करना, ये तिलक नहीं ये रक्षा मंत्र है, हमारे 12 जगह पर भगवान निवास करते हैं, हैं? इसलिए ये तिलक भगवान की तिलक ये गोपियों की चरण धूलि जिससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। इसलिए देखना भारत में अगर कोई ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आएगा जब तक वो तिलक नहीं लगाएगा उनका पूजा नहीं करवाएगा, हैं? इसलिए जैसे कोई अच्छे बिजनेस में जाते हैं तिलक लगा करके भेजते हैं वो काम तुम्हारी बच जाए। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, ये पुराण की कथा है, ये तिलक की कितने महिमा है। अगर कोई भगवान विष्णु की मंदिर को स्थापन कर दे, भगवान विष्णु की मंदिर एक मंदिर अगर किसी ने स्थापन किया तो कहते उसको आगे की 21 पीढ़ी और जो पीछे 21 पीढ़ी उनको 21 21 कितना हो गया 42 पीढ़ी उनकी भगवत लोक को चले जाते मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई एक विष्णु मंदिर स्थापन किया, बोले ये तिलक क्या है, ये भगवान की मंदिर है विष्णु, ये मंदिर तिलक है। हम कितने जगह पर तिलक लगाते हैं? 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, पुराण की कथा है। मतलब है हम रोजाना 12 भगवान की मंदिर को स्थापन कर रहे हैं, 12 मंदिर को हम स्थापन कर रहे हैं, आप समझो कितने पीढ़ी उधार नहीं होगा, कितने पीढ़ी उधार नहीं होगा। इसलिए एक समय महाप्रभु की क्लास में कोई एक स्टूडेंट बगैर तिलक के आ गया, महाप्रभु उसको बैठने नहीं दिया, बोले तुमने गुरु मंत्र जब नहीं किया तुमने तिलक नहीं लगाई, घर में जाओ पहले तिलक लगा करके अपना गुरु मंत्र जप करके तब क्लास में आना, महाप्रभु बैठने नहीं दिया। महाप्रभु शिक्षा देते हैं जब तक हम तिलक धारण नहीं करते हैं तब तक गुरु जी का मंत्र जप नहीं कर सकते, ठाकुर जी पूजा भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहा धो करके सबसे, जैसे एक सधवा स्त्री नहा धो कर क्या करते हो, पहले सिंदूर लगा दो, मांग भरती है, हैं? फिर पति को सामने जाते हो, उसी तरह जब हम तिलक कंठी धारण करते हुए ठाकुर के पास में जाते हैं ना, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर तुम्हारी तिलक नहीं कंठी नहीं ठाकुर को सामने में गए, ठाकुर भगा देंगे तेरे को, महाप्रभु इसलिए तो भगा दिए, बोले नहीं बैठ सकते क्लास में जाओ घर में। अगर बगैर तिलक के ठाकुर के पास में गए ना, ठाकुर जी तुम्हारी तरफ में देखेंगे नहीं, बोले तेरे से मेरे कोई मतलब नहीं, तिलक कहाँ है तुम्हारी, कंठी कहाँ है, ठीक है ना। इसलिए तिलक रोज धारण करना। और जो तीसरा चीज दिए है भगवान का नाम, क्या दिए ठाकुर जी की नाम। इसलिए गुरु जी कहते थे गुरुदेव हमें माला नहीं दिया, ये भगवान कृष्ण स्वयं दिया है, ये माला रूप में भगवान खुद माला रूप में गुरु जी का वाणी है, माला रूप में कृष्ण दिए हैं। गुरु जी कहते थे अगर एक दिन हमने माला जप नहीं किया, इसका मतलब है ये ठाकुर आज स्नान नहीं किए,
कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी भोजन नहीं किया, ठाकुर जी दिन भर भूखे रहे, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। भगवान गुरु जी माला नहीं, भगवान स्वयं आपको प्रदान किया है, इसलिए गुरु जी कहते माला कभी खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला कभी भूखे नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हरिदास ठाकुर जी दिन में तीन लाख हरिनाम करते थे। कितना हरिनाम करते थे? तीन लाख हरिनाम करते थे हरिदास ठाकुर। जब महाप्रभु उनके लिए प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो, बोले प्रभु आज हम प्रसाद ले नहीं सकते। बोले क्यों? मैंने आज 3 लाख नाम पूरी नहीं कर पाई। कितना नाम? 3 लाख मैंने नाम पूरी नहीं कर पाई। महाप्रभु बोले हरिदास तुमने जिंदगी भर 3-3 लाख हरि नाम किए हो, अभी वृद्धा हो गए हो, अभी बूढ़े हो, थोड़ा कम तो करो। देखो क्या कहते हैं, बोले प्रभु मेरे शरीर तो चंगा है, शरीर सुस्त, लेकिन प्रभु मेरा जो मन है ना ये अस्वस्थ है। ये हमें शिक्षा देते हैं, हमारी जो मन इतने दुष्ट है। देखना शादी के लिए कहीं हो पहले तैयारी बैठेगा, अगर सिनेमा जाने के लिए हो, अगर घर का काम 5 घंटा 2 घंटा निपटाएगा, 3 घंटा निकलेगा हैं, और जाकर गंदी गंदी चीज को लाइन में लग करके उसको देख करके आएगा सारे काम। लेकिन जब भजन की बात करो ना, हरिनाम की, इतने बहानाबाजी, अमुक काम पड़ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, पता नहीं कितने। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लो और ये मन को 100 बार मारो। कितना बार? 100 बार इसको पीटो। मतलब क्या? ये मन को समझाओ, मैं आज सारा दिन प्रभु का नाम लेना, भजन करना, उनकी सेवा करना, गंदी चीज यू हाँ, इसलिए स्मार्टफोन उल्टा पुल्टा चीज उसको मत देखना। हाँ, समय हो तो क्या करो, भगवान की भजन भक्ति करो, जिसमें तुम शांति और सुख में रह सकते हो। जिसमें शांति सुख होगा ना, हम उस तरफ भी जाते ही नहीं, जिसमें दुख हम उस तरफ भी जाते हैं। इसलिए क्या करनी चाहिए? महाप्रभु कहते हैं मैंने ये हरिनाम नहीं, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, कमल प्रभु जी बता रहे थे, ये हरिनाम क्या है? ये चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो मांगो वही मिलेगा। और पारस पत्थर बोल रहे थे ना, हैं? पारस पत्थर ये है, जो पारस पत्थर को उन्होंने हैं, उन्होंने पारस पत्थर को फेंक दिया, फेंक करके जब उनको पास में आए ना, उन्होंने ऐसे के माला दिया, बोले बेटा ये भगवान के नाम को जप करो, यही असली पारस पत्थर है, यही असली पारस पत्थर है, तुम्हारे जीवन को ये सोना बना देगी, ठीक है ना। इसलिए भगवान के नाम को नियमित करके फिक्स नंबर रखना, इतने माला हमें करना है, भले उसको ऊपर जाओ लेकिन नीचे मत उतरो। इसलिए गुरु जी कहते थे जैसे मैंने 8 माला करता हूँ, मैं तो 16 माला करता हूँ, नियम रखना इतना माला करने का। अगर उतना माला पूरी नहीं हुआ, गुरु जी कहते थे दूसरे दिन, जैसे आज कोई ज्यादा सेवा पड़ गई, हम माला को पूरी नहीं कर पाए, जैसे 8 माला करते 16 माला, क्या करो? गुरु जी कहते थे दूसरे दिन उसका डबल करो, नहीं तो कम से कम जितना माला छूट गई उसको दूसरे दिन उसकी पूरी करो, दूसरे दिन उसकी पूरी करो, क्योंकि यही माला ही तुम्हारे बेड़ा पार करना कराने वाले, अंतिम समय में यही काम आएगा, ठीक है ना। इसलिए गुरु जी विशेष करके 3 चीज दिए, ये 3 चीज को हर समय ध्यान रखना। और अभी ये मंदिर खुला है, आप कोशिश करना आप भी आओ और अपना अड़ोसी पड़ोसियों को भी मंदिर में ले लिवा करके लाना। अभी हमारे श्री दामोदर प्रभु जी चाहता हूँ 2-2 मिनट और 2-3 भक्त भी है। सर्वधम गुरु पाद पद्म नित्य लीला ब्रह्म सुजयम विष्णुपाद अशोक दुर्गाचार्य श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ, कृपा वांछा करता हूँ। शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद श्री श्रीमद भक्ति विधान श्री गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित ज्येष्ठ गुरु भाई वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में हाई प्रदेश प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे सुंदर गोपाल गुरु जी कह रहे थे कि गुरु के अंदर जो है 10 लाख माओं का प्रेम होता है। बोले उदाहरण क्या, कैसे पता चलेगा है या नहीं है, कह तो देते हैं। तो कह रहे हैं जगत में गुरुदेव के जितने भी शिष्य हो वो सबको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, चेहरे से भी नाम से भी, सिर्फ पहचानते ही नहीं है, उनको जो कुछ चाहिए सब गुरुदेव ही पहुंचाते हैं। और
शिष्यों के जीवन में केवल गुरुदेव ने यही इस जीवन में माँ कितना कर सकती थे, जब तक हम जीवित हैं अभी तक तो प्रेम देगी, कुछ सामने है तभी तक तो गारंटी रखेगी, उसके बाद कुछ कर सकती है। लेकिन श्री गुरुदेव कहते थे कि मेरा एक भी शिष्य मेरे जाने के बाद भी कहीं भी होगा, मैं गारंटी लेता हूं उसको सिखा पकड़ करके भगवत धाम लेके जाऊंगा, गारंटी ले। तो सिर्फ गुरुदेव ही ले सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है। और ये वैष्णव संप्रदाय की जो स्थिति है, हमारे महाराज जी हैं इत्यादि, हमारे गुरुवर्ग जो हैं, ये सब जो कह रहे थे प्रभु जी कि गुरुओं की फोटो आ रही है और भगवान की फोटो जा रही है, इसका एक छोटा सा विशेष कारण है। वो कारण जिस दिन हम लोग समझ गए वो शायद ये चीज बिल्कुल रुक जाएगी। जब हम जीवन में कोई संघर्ष करते हैं, बिना संघर्ष के कोई चीज किसी को मिल जाती है, उसको लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको तो परिवार की तरफ से मिल गई, इसको क्या पता। बट एक व्यक्ति जब पूरा संघर्ष करके कमा करके उस वस्तु को लाता है तो उसकी कीमत वो बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और जब उससे पूछो तो क्या करेगा, बड़ा डिस्क्राइब करेगा, मैंने इतना मेहनत किया, ये सब किया, ये सब किया। तो दिक्कत ये है, हम जाते ही उस गुरु के पास हैं जो हमें कोई भी सेवा कराना करने की बात ही नहीं करेगा, जो हमसे कुछ भी छोड़ने की बात ही नहीं करेगा, जो हमसे भगवान के लिए कुछ भी करने की। हम चाहते हैं गुरु का गुरु भी हो जाए, गुरु बिन भगनी तरह ना करो, ये बात भी पूरी हो जाए और गुरु भी अकॉर्डिंग टू हमारे अनुसार मिल जाए। तो हम तो आरती करने से वैसे ही परेशान, जो उन्होंने बोला अगरबत्ती जलानी नहीं है, इससे बढ़िया गुरु कहाँ मिलेगा। तो सीधी चीज है, हम वहां पर जगत की सबसे मुश्किल वस्तु, सदगुरु इतनी आसान वस्तु थोड़ी है, इतनी मुश्किल से भगवान के लिए कहा गया कि जब भगवान की सबसे विशेष कृपा होती है तब क्या होता है, तब भगवान सदगुरु से मिला। यह मकान दुकान गाड़ी देकर के भगवान की कृपा नहीं है, यह तो भगवान की एक छाया मात्र कृपा लग रही है, हो रही है, पर है नहीं। वास्तविक कृपा है जिस दिन तुम्हारे जीवन में भगवान किसी सदगुरु को भेजते हैं, उस दिन आपके ऊपर भगवान ने कृपा की। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा कि जो अपनी पूजा करा के भगवान की पूजा बंद कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनका खुद का जीवन भी बंद होने वाला है, और ये सबके सामने प्रमाणित होता है, फिर हम लोग परेशान होते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कुछ बिना त्याग कुछ किए हुए जीवन में आसानी से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है, और इतनी आसानी से भगवान कोई करेगा भी नहीं। तो इसलिए गुरु वही गुरु है जो हमेशा ये कहे मेरे गुरुदेव ये किया करते थे, गुरु वही गुरु है जो हमेशा गुरु की बात करेगा, अपनी बात कभी जीवन में वो करते ही नहीं है। और हमने ये चीज महाराज जी में देखी, अपने सारे गुरुवर्ग जो अभी हैं उनमें देखते हैं। हमारे प्रभु जी कह रहे थे बड़ा हमारा एक सौभाग्य है कि गुरुदेव गए, और कुछ मन में क्षोभ है कुछ लोगों के आ जाता है कि जो प्रीति गुरुवर्ग की हमारे प्रति होती है वो अभी हमको उतनी देखने के लिए नहीं मिलती है। ये बहुत एक मन में बात आती है सबके, तो मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुवर्गों में कभी कोई अंतर है ही नहीं। फर्क ये है हमको वो चीज अनुभव हो रही है, क्योंकि हम अब जो गुरुवर्ग हैं उनमें गुरुदेव को देखना ही नहीं चाहते। हमारा उनसे दृष्टि संबंध या तो गुरु भाई का है या समता का है। जिस दिन हम संबंध को हटा देंगे उस दिन हमको इनमें भी वही गुरुदेव के दर्शन होंगे जो गुरुपात्र में हमारे सामने थे। कोई डिफरेंस नहीं है 1% का भी। इनकी कृपा हम मानते हैं कि गुरुदेव का जो इनके पास प्रेम है, जब ये हमको करते हैं, हम मेरा अपना अनुभव है, गुरुदेव ने जितना प्रेम दिया उससे ज्यादा प्रेम हमको महाराज जी से मिल रहा है। हो सकता है किसी को ना मिलता हो, पर मैं कह सकता हूँ मुझे गुरुदेव से ज्यादा जो प्रेम निसंग है जो महाराज जी के साथ मिला, शायद मैं गुरु जी के साथ उतना रहा भी नहीं, उतना अनुभव भी नहीं कर पाया। और मैं मानता हूँ महाराज जी में प्रीति उनके बराबर ही है, उनसे किसी परिमाण में कम नहीं है। तो ऐसे गुरुवर्ग जो हमारे ऊपर हाथ रखा हुआ है, जब तक ये शरीर है ये हमारे साथ है, ये हम पर कृपा कर रहे हैं, इस कृपा को कोई छोड़े नहीं, और इनकी बातों को ही पालन करें, बाकी हमें कुछ और पालन करने की आवश्यकता है नहीं। इनकी बात की पालन करें वही बहुत है। वांछा कल्प दुरुन वस्य कृपा सिंधु भयंकर पतिता नाम पावन देव वैष्णव देव नमो नमः। राजकुमार देखो, जो सही साधु होते हैं ना वो कभी अपना बात बोलते नहीं, और कभी नहीं बोलते मैं बोलता हूँ। हम लोग जो कुछ बोलते हैं ना, बताइए गीता में भगवान बताए, भागवत में ये बात है, ये पुराण में ये बात है, क्योंकि हमारी उपदेश से जीव का कोई कल्याण होने वाले नहीं। कल्याण तो जीव का तभी होगा जब हम गीता रामायण भागवत की बात बताएं। इसलिए वो कभी अपना बात बोलते हैं, वो ठाकुर की बात बोलते।
गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय सुधालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः वंशाकल्प त्रिभुवनस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवभ्यो नमः। सर्वप्रथम अस्मद् गुरु पार्षद नित्य लीला कृष्ण जगत गुरु विष्णु पाद अष्टोत्तर तथा शिष्य भक्ति दंत परमहंस त्रिदंडी स्वामी श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभयचरण कमलोकानंद के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरु पाद पद मंचासीन मेरे शिक्षा गुरुदेव शिष्य भक्ति विधान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्रीचंद कमलोकानंद को भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानु गुरु परंपरा वैष्णव वैष्णवी मातृमंडली कथा प्रकाश स्रोत मंडली सज्जन वृंद सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम है और आप सब लोगों के भी आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ। हरे कृष्णा। आप सब लोग थक गए हैं दिख रहा है, तकरीबन 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। महाराज जी का आदेश है, गुरु पूर्णिमा है, श्री गुरुदेव के चरणों में कुछ अपनी पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए 2 शब्द मैं भी कह देता हूँ। 2 बातें बोलता हूँ, एक तो जैसे महाराज जी ने भी बोला कि कुछ गीता भागवत से होना चाहिए, तो मैं श्री रामायण से ही एक उदाहरण लेके आ रहा हूँ गुरु और शिष्य के संबंध का। कैसा संबंध होना चाहिए? संबंध कब होगा? जब हम अपने गुरु के उपदेश का किसी रूप में पालन करने का प्रयास करेंगे तब संबंध होगा, उससे पहले संबंध नहीं होगा। गुरु जी ने बहुत कुछ बोला, पालन ने कुछ किया नहीं, तो संबंध कैसे होगा? संबंध नहीं होगा। गुरुदेव के आदेश का पालन करना पड़ेगा तब संबंध होगा। श्री रामायण जी में एक प्रसंग आता है माता सबरी से संबंधित। उनके जो गुरु जी थे उन्होंने माता सबरी को बोला था कि तुम इस स्थान पर रह के भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करना, भगवान श्री राम आएंगे यहाँ, बस इतना बोला था। ये उपदेश था माता सबरी के लिए उनके गुरु जी का, मतंग ऋषि का। मतंग ऋषि उनके गुरु थे। मतंग ऋषि का ये उपदेश था कि तुम स्थान पे रहना, भजन करना, एक दिन यहाँ भगवान श्री राम आएंगे। और माता सबरी ने इस बात को, गुरु की इस बात को अपने हृदय में आदेश उपदेश समझ के धारण कर लिया। और शास्त्र कहता है कि माता सबरी ने कितने समय इंतजार करा, कितने समय तक वो उस राह को गुहारती रही, कितने समय तक बन से फल फूल कंदमूल लाके रखती रही, कितने समय? शास्त्र कहते हैं 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष माता सबरी भगवान श्री राम की सेवा के लिए उस स्थान पर बैठे रहे, क्योंकि भी गुरु जी ने बोला है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और फिर क्या हुआ? गुरु जी के उपदेश का ठीक ठीक प्रमाणित। देखो भगवान भी भक्तों की बात रखते हैं हमेशा, कि मतंग ऋषि साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के सेवक हैं, भगवान के ही क्या कहते हैं एक रूप में वो एक स्वरूप है भगवान के। जो ऋषि वर्ग होते हैं, जो गुरु वर्ग होते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। तो अपने भक्तों की बात प्रमाणित रूप में रखने के लिए भगवान सारी कार्य करते हैं। और भगवान स्वयं वहां पहुंचे अपने अनुज लक्ष्मण जी को लेकर, और जैसे ही जब उनके मिलन हुआ, तो जब माता सबरी ने भगवान श्री राम की सेवा करी है, और सेवा करते करते क्या कह रही है? सिर्फ अपने गुरु जी के उपदेश, अपने गुरु जी की महिमा का बखान कर रहे कि मेरे गुरु जी ऐसे थे, और मेरे गुरु जी जब तक यहाँ रहकर भजन करते थे, पूरा जो वन है हरा भरा रहता था, और एक ही सरोवर में एक ही घाट पर हिरण और सिंह आदि सभी लोग जल पान करते थे, कोई किसी को हिंसा नहीं करता था। मेरे गुरु जी का ऐसा प्रभाव था। भगवान बैठे हुए भगवान की स्तुति नहीं गा रही है, अपने गुरुदेव की स्तुति गा रही है। तो आज अवसर मिला है हमारे जैसे तुच्छ जीवों को भी श्री गुरुदेव के चरणों में कुछ पुष्पांजलि अर्पण करने का शब्दों के माध्यम से। तो हमारा ऐसा कोई उपदेश गुरु जी को अपने हृदय में हम धारण कर ले कि जो गुरु जी कह रहे हैं ना, हमको ये पालन करना ही करना है। तो ये गुरु संबंध शिष्य के साथ में कैसा होता है, शिष्य को कैसे गुरु जी के उपदेश का पालन करना चाहिए, हमको माता सबरी के जीवन चरित्र से समझने को मिलता है। श्री गुरुदेव की बात हम लोग करते आ रहे हैं, हमारे अन्य अन्य गुरु भाइयों ने, श्री महाराज जी ने 2 घंटे से चर्चा करी हुई है कि हमारे जो श्री गुरुदेव हैं वो कौन थे, उनके विषय में कहना हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए तो सामर्थ्यवान हम है नहीं, हम इस बद्ध जीवा से जड़ बुद्धि से कुछ कह नहीं सकते उनके विषय में। लेकिन फिर भी जो महाराज लोगों से सुना है उनके विषय में, वही 2 शब्द बोल के वाणी को विराम करते हैं। महाराज जी ने बहुत बार हमको सुनाया गुरुदेव की महिमा को। गुरुदेव कैसे थे? वो अद्भुत थे। वो किसी को एक बार देख लें तो निश्चित रूप से वो उनका हो जाता था, निश्चित रूप से एक बार देखने मात्र से उनका हो जाता था। गुरुदेव की महिमा अपार है। गुरुदेव का एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, ठीक है? तो महाराज कह रहे समय बहुत हो गया है, और एक
उदाहरण मैंने दे दिया है गुरु गुरु शिष्य का संबंध का, महाराज जी की आज्ञा गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए आज वाणी को विराम दे देते, फिर कभी अवसर मिलेगा सुनने का, फिर कभी सुनेंगे। मांछा कल्पत्र गुरु शिष्य के पास हिंदू देव पति तमाम पावन दे हरे कृष्ण और 5-7 मिनट लेंगे, फिर ठाकुर जी की आरती होगी, फिर आप लोग सबके सब प्रसाद लेकर रह जाना, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था, और 5-7 मिनट सब बीच खत्म हो जाएगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला श्री जय गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हुए सभी रूपानु गुरुवर्गों के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जो बच्चे है ना ये जयपुर से आया तो क्या करते हो बोलो भाई, क्या करते हो? बैंक में बोलो, बैंक में सर्विस करते हैं। ये बैंक में सर्विस करता है और देखो धोती पहना है, तिलक लगाया है, गले में कंठी पहना है, हैं? इसलिए आप भी अपना बच्चों को किशोर सिखा दो, ठीक है ना, बच्चों को सिखा दो, गले में कंठी पहनाओ, तिलक पहनाओ, लगाओ, बैंक में अच्छे सर्विस करता है, देखो कैसे धोती पहना है। जिस वंश में एक बेटा, जिस वंश में केवल एक बेटा भगवान की भक्ति में लग जाए ना नरसिंह भगवान के, तो उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं। पिता माता बच्चे उधार होने से पहले पिता माता वैकुंठ पहुंच जाते हैं। जो माँ वो बच्चे को कोख में धारण करती है, माँ की कोख धन्य हो जाती है, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, पूर्वज जो भी हाथ उठा उठा कर नाचना शुरू कर देते, इतने महिमा। लेकिन अगर बच्चे शराबी हो गए, जुआरी बन गए, सिगरेट फूंकते हैं, जुआ खेलते हैं, बोले उसका पाप भी पिता माता को लेना पड़ेगा, क्यों? जन्म तुमने दिया। इसलिए बच्चों को हैं, इसलिए बच्चों को जन्म देना इतना महत्व नहीं जितना महत्व बच्चों को सद्मार्ग दिखाना। इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चों को भगवान की भक्ति को भक्ति में लगाओ। जिस वजह से जिस घर में बच्चे भक्ति करते हैं ना वो घर नहीं, वो वैकुंठ बन जाती है, गोलोक वृंदावन बन जाती है। अगर नहीं भजन में लगाओगे तो क्या होगा बताओ? फिर शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, मछली पिएंगे, फिर सिगरेट फूकेंगे, घर को श्मशान बना देंगे, ठीक है ना। इसलिए हर बच्चों को संस्कार दो। पैसा देना बड़ी भारी बात नहीं है, कितने पैसा बच्चों को दे कर गए वो बड़ी भारी बात नहीं। अभी आया था, उसमें खेल हो रहा था, कुछ व्यक्ति से मिले, कहते गुरुजी मेरा बच्चा 1 मिनट में 1 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया। आपको बताया होगा उसमें जुआ सट्टा खेलते हैं, 1 करोड़ रुपया दिया बच्चों को, लेकिन 1 मिनट में उसका बच्चा 1 करोड़ रुपया खत्म। इसलिए ये निर्भर नहीं करता तुमने कितने पैसा दिए हो, कितने संस्कार दिए बच्चे को, ये बड़ी भारी बात, ठीक है ना। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, खुद भजन करो, बच्चों को भजन करो। हरे कृष्णा। हालांकि मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता यहाँ पे कथा बोलने के लिए, लेकिन गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव ने आदेश दिया है, तो कुछ गुरुदेव के द्वारा वैष्णव के द्वारा जो श्रवण किया है वो ये आपको कुछ चंद मिनटों में बताना चाहूंगा। हम लोग बहुत समय से सुन रहे हैं, अभी भी सुन चुके हैं पूर्ववर्ती वक्ताओं के द्वारा कि गुरुपाद पद्म जो है वो अखंड है, अखंड तत्व है, गुरुपाद पद्म अभिन्न है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ कि गुरुपाद पद्म कैसे अखंड है। लीला होती है, दो तरह की लीलाएं हैं, एक औदर्यमय लीला और एक माधुर्यमय लीला। औदर्यमय लीला के अंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर भक्ति भाव को अंगीकार करते हैं तथा आचरण के द्वारा सभी जन को भक्ति का आदर्श दिखाते हैं और भक्ति करना सिखाते हैं। तो इस लीला के अंतर्गत जो श्री नित्यानंद प्रभु है, बलदेव प्रभु, उनका जो प्रकाश है वो सारे अखंड अन्य है, वो थोड़ा गूढ़ हो जाएगा। दिक्ष्वा पारुणिका साधु अजात शत्रु, और एक भागवत में बताया गुरु का मुख्य लक्षण, जो गुरु है गुरुपाद पद्म का मुख्य लक्षण है राधा दास्यम, जिन्होंने श्रीमती राधिका जी की दास्यता स्वीकार कर रखी है। तो हम लोग बड़े सौभाग्य हैं, जो वस्तु भगवान के द्वारा दी गई है वो एज इट इज हम लोगों को मिल रही है, बिना किसी उसमें अपनी बात जोड़े, बिना किसी उसमें कोई मिलावट किए,
एज इट इज जो प्योर धारा है उसके अंदर हमको सबको श्रवण करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ हमें गुरुदेव का गुरुपाद पद्म का सभी वैष्णव का सानिध्य मिल रहा है। इसी के द्वारा बस हम सबकी यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव के अभय चरणारविंदों में कि हम सभी की भक्ति वर्धित हो तथा निरंतर धीरे धीरे भक्ति मार्ग पे आगे उन्नत होते जाए। बोला हरे कृष्ण यही समाप्त है यही पर खत्म हो जाएगा। और अगर जोर से बोलो स्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरी शिक्षा गुरुपाद का श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में एकाएक प्रणाम करते हैं। काफी देर हो गई, लोग सोच रहे हैं करवट भी चेंज होती जा रही है बैठे बैठे, मतलब किस पोज में बैठे समझ में नहीं आ रहा, दोनों पैरों का खून रुक चुका है और तो बस एक ही ऑप्शन है बस कब खड़ा करेंगे। ज्यादा देर भी लूंगा, आज इतने सारे गुरुवर्गों के शिष्यों ने इतनी सारी बातें बोली, उसमें से बस एक प्रश्न पूछता हूं मैं, गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में इसके अलग अलग विचार हैं, जो सिंपल विचार है दो प्रकार के, एक प्रकार का गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे कहते हैं गुरु, और गुरु का दूसरा अर्थ होता है गुरुत्व यानी भारीपन, जिनके अंदर वो गुरुत्व है जो एक जीव को माया के द्वार माया की गोद से खींच करके श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे, वो गुरुत्व, वो कौन है? गुरु बनने योग्य। शास्त्रों में अलग अलग परिभाषा है गुरुदेव की, गौड़ी कंठार में 26-27 श्लोक है जिसमें सिर्फ गुरुदेव के बारे में व्याख्या है, गुरुदेव के लक्षणों तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण इनके बारे में वर्णन है। तो अगर हम पूर्ण तरीके से विचार करें तो गुरुदेव कौन है? बोले गुरुदेव बलदेव प्रभु से अभिन्न है। मूल रूप में गुरु कौन है? बोले अखंड गुरु तत्व कौन है? बोले साक्षात बलदेव प्रभु। और बोले उससे भी मूल रूप में कौन है? बोले कृष्ण। बोले कैसे? कृष्ण वंदे जगत गुरु। बोले कृष्ण के अलावा और कोई गुरु बनने योग्य है ही नहीं। बोले कृष्ण तो वैकुंठ में और हम यहाँ, हम तक वो कैसे पहुंचेंगे? तो बोले कृष्ण ने ही अपनी शिक्षा की, अपनी सेवा की शिक्षा प्रदान करने के लिए एक्सपेंशन निकाला, मतलब अपना ही एक स्वरूप बाहर निकाला, वो कौन है? बलदेव प्रभु। कृष्ण में और बलदेव प्रभु में सिर्फ एक ही अंतर है, क्या? कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलदेव प्रभु गौड़ वर्ण के। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत की मंगलाचरण में बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं? अजानु लंबित भुजो कनका वधातो संकीर्तने के पितरो युगधर्म पालो वरम, ऐसे करके श्लोक है, पूरा ठीक से याद नहीं, काफी दिनों से रिपीट नहीं हो तो सब गया। तो बोले क्या क्या बता रहे? बोले नित्यानंद प्रभु। बोले नित्यानंद प्रभु ने बलदेव प्रभु से अभिन्न, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, इन दोनों में कैसी सिमिलैरिटीज है? बोले दोनों का रंग कैसा है? गौर वर्ण है। दोनों की आंखें कैसी है? नयन कैसे है? बोले कमल जैसे हैं। बोले दोनों को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? बोले एकमात्र हरिनाम संकीर्तन, इसके अलावा उनको प्रसन्न करने का कोई और उपाय नहीं है। अब बोले इसमें गुरुदेव कैसे सिमिलैरिटीज होती है? बोले गुरुदेव कैसे है? बोले गुरुदेव भी बलदेव प्रभु से अखंड है। बोले कैसे? इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन है, अगर हम तत्व में जाएं तो सिर्फ हिंट देके समझाता हूँ। बोले वैकुंठ वृंदावन में वो